हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि सर्टिफिकेट का जरूरत अब सभी जगहों पे पड़ने वाला है, जैसे कि ट्रेवलिंग, गवर्नमेंट एग्जाम, जॉब्स, इन सारे जगहों पे आपसे सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो आप बहुत ही आसानी से सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑप्शन पे भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपने लैपटॉप या मोबाइल में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लें, गूगल सर्च में कोविन टाइप करें। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे कोविन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कोविन विनिंग ओवर कोविड-19। सो हमें वैक्सीन सर्विसेज के ऊपर जाना है, रजिस्टर मेंबर, सर्च वैक्सीनेशन सेंटर, बुक वैक्सीनेशन स्लॉट, मैनेज अपॉइंटमेंट, डाउनलोड सर्टिफिकेट। ये आप देख सकते हैं नीचे में डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, सो यहाँ पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, रजिस्टर और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन। यहाँ पर आप रजिस्टर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, जो कि वैक्सीन स्लॉट बुक करने के टाइम इंटर किया था। नंबर इंटर करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पे 6 अंकों का एक पासवर्ड आएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने ओटीपी वेरिफिकेशन का एक पेज ओपन हो गया है, यहाँ पर इंटर ओटीपी करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अकाउंट डिटेल्स रहेगा, आपका नंबर डिटेल्स होगा, नाम और सीक्रेट कोड रहेगा। आप देख सकते हैं डोज 1 कोविशील्ड, उसके सामने सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। सर्टिफिकेट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है। सो आप डाउनलोड के ऑप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। ये देखें, मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। कुछ इस तरह का आपका सर्टिफिकेट होगा। नेम, एज, जेंडर, आईडी, आपने जो भी आईडी दिया है, यूनिक आईडी, आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, आपका पहला डोज किस डेट को लगा है और कौन से डेट पे आपको नेक्स्ट डोज लगना है, वैक्सीन लगाने वाले का नाम और किस जगह पे आपका वैक्सीन लगा है, पूरा डिटेल होगा। इस तरह से आप कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।